हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद होगी कि सब कुछ अच्छा होगा और बढ़िया बिताओगा। ठीक है, तो हम क्या चल रहा था हमारा। हमारी क्लासेस चल रही थी साइंस की। किसके लिए स्पेशली? एनटीपीसी के लिए, ग्रुप डी के लिए, और अभी जो नए नए फॉर्म आए हैं सीपीओ का आया है, फिर एसएससी सीजीएल का आया है, जो कि साइंस जो है उसमें बहुत ही बड़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है, ए पार्ट ऑफ जीएस, जीएस के बेस से देखा जाए तो साइंस हम देख रहे थे, जो कि आरआरबी और एनटीपीसी का ही बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक तरह से कहा जाए कि जान है उसकी। ठीक है, ठीक। तो हम लोग क्या देख रहे थे अभी पिछली क्लास में, हमारा चल रहा था टॉपिक सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या हुआ था दोस्तों, हम लोग ब्लड ग्रुप पहला नहीं, आज तो आज का टॉपिक है ब्लड ग्रुप। सर्कुलेटरी सिस्टम में अब तक जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली है, मैं एक बार आपसे मेंशन कर देता हूँ, फिर आगे हम अपनी क्लास को कंसिस्टेंट करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा भाई, ब्लड्स क्या होता है, प्ले हम लोगों ने ब्लड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डाला, फिर इसमें इसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा, कंपोनेंट्स। ठीक, कंपोनेंट्स का मतलब ये होता है दोस्तों, ये इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती है ना, किन किन चीज़ों से ये मिक्सअप होता है, ब्लड में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है, इसका मतलब होता है कंपोनेंट्स। इसके बारे में हम थोड़ा सा बता दें आपको। कंपोनेंट्स में हमने अभी देखा दो पार्ट्स होती है, कौन कौन सा होता है, एक प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा, प्लाज्मा कितने परसेंट पाई जाती है ब्लड में, जो भी मेरे मित्र होंगे जिन लोगों को मैंने पढ़ाया वो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के देंगे कि कितनी प्लाज्मा की परसेंटेज होती है ब्लड्स में। इसके बाद हमने क्या पढ़ाया था भाई, ये होता है लिक्विड पार्ट, ये लिक्विड पार्ट्स होता है, इसको प्लाज्मा कहते हैं। और यहाँ क्या होती है, ब्लड सेल्स, ब्लड सेल जिसको हम किस नाम से जानते हैं, सॉलिड, सॉलिड पार्ट्स के नाम से। ओके, तो आई थिंक्स यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा कि ये सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। फिर अगेन हमें इसमें क्या चल रहा था हमारा, ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स में कितनी टाइप्स की होती हैं, अगेन थ्री टाइप्स की होती है। पहली नंबर पे होती है आरबीसी, ठीक है, जिसको अनदर नेम्स में क्या जाना जाता है, एरेथ्रोसाइट। सेकेंड नाम होता है डब्ल्यूबीसी, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, ल्यूकोसाइट्स। और तीसरा होता हमारा थ्रम्बोसाइट मीन्स पीएल यानी प्लेटलेट्स। ठीक, पिछली क्लास में हम यहाँ तक, मुझे उम्मीद है जहाँ तक मुझे याद है कि हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे इसमें क्या बचा है टॉपिक, ब्लड ग्रुप। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे अक्सर ही परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली चीज़ हम ये बता दें आपको कि क्वेश्चन किस टाइप्स के आते हैं, ब्लड ग्रुप से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस सब के बारे में हम पहले चर्चा कर लें, फिर हम ब्लड ग्रुप को डिटेल में देखेंगे। क्या आता है भाई, पहला क्वेश्चन आएगा कि ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का होता है, क्वेश्चन नंबर वन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन आएगा टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप, पहला क्वेश्चन टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप, पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या आएगा, यहाँ से क्वेश्चन नंबर दो आएगा डिस्कवरर या इनोवेशन, डिस्कवरर साइंस में क्या कहते हैं, डिस्कवरर, डिस्कवर्ड बाई किसके द्वारा, ये इसको खोजा गया था ना, कौन इसको खोजा है, खोजने वाला, ये भी पूछ सकता है, खोजने वाला। क्वेश्चन नंबर थर्ड आएगा भाई इसमें से, ये बेसिक क्वेश्चन है जो ग्रुप डी में जनरली पूछा गया है, कब खोजा गया था, कब खोजा गया था, मतलब कब खोजा गया, मतलब वो सन ही पूछ सकता है, वो ईयर पूछ लेगा आपसे किस ईयर में पूछा गया, खोजा गया था, बहुत सारे ऑप्शन आपको दे सकते हैं। नंबर चार पे आ सकता है ब्लड ग्रुप से रिलेटेड एक बहुत ही खास क्वेश्चन होता है, सर्वग्राही और सर्वदाता, सर्वग्राही किसे कहते हैं, सर्वग्राही किसे कहते हैं, अगेन पूछेगा आपको। पांचवा नंबर सर्वदाता किसे कहते हैं, ये ब्लड ग्रुप की जान होती है भाई, सर्वदाता किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, इस सर्वग्राही सर्वदाता के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है भाई। जनरली क्या होता है, अभी तक हम लोगों ने जिन चीज़ों के बारे में पढ़ा, कुछ डिजीजेज के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, ब्लड कैंसर, एनीमिया और सारी डिजीज पढ़ा, तो क्या होता है कभी कभी डॉक्टर हमको क्या एडवाइस देते हैं कि इनका ब्लड ही चेंज कर दिया जाए, या फिर कभी किसी कोई इंजर्ड हो जाता है तो उसमें ब्लड्स की क्या हो जाती है, लैक्स हो जाती है,
फिर उन्हें क्या होते हैं डॉक्टर्स ब्लड प्रोवाइड करते हैं, मतलब ब्लड देते हैं। कैसे देते हैं, किस तरह से देते हैं, ये सब सारे रोल सारी चीज़ें जो है यहीं क्लियर हो जाएंगी। सर्वग्राही सर्वदाता, कौन सा ब्लड किसको चढ़ेगा, कौन सा ब्लड किसको दिया जाएगा, कौन सा ब्लड किससे लिया जाएगा, ये सब इसी में किसको डिपेंड करता है, किस पे, एंटीजन। एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है इसमें पाई जाती है ब्लड ग्रुप में, एंटीजन। ठीक, एंटीजन ये क्या होती है भाई, एंटीजन, एंटीजन से ही इसकी आइडेंटिफिकेशन होता है। क्या आइडेंटिफिकेशन होता है एंटीजन से, कि मतलब कौन सा ब्लड ग्रुप इसमें है, जो एंटीजन रहेगा जिसका, जिसमें जो एंटीजन रहेगा वही उसका ब्लड ग्रुप के नाम से जाना जाएगा। चलिए ठीक है, तब हम चीज़ों को वन बाय वन क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक, इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई, किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं, हमने अभी तक कुछ नहीं बताया, जनरली हमने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया ब्लड ग्रुप से कितने टाइप्स के क्वेश्चन आएगा, अभी तक हमने यही पढ़ा है, आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे भाई। पहला वन बाय वन ब्लड ग्रुप को किसने खोजा, पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहले क्वेश्चन का आंसर आ रहा है भाई, सभी लोग नोट करते हुए चलेंगे, बिल्कुल मैं हिंदी मीडियम में लिखते हुए और वन बाय वन सभी चीज़ों को बताऊंगा। ठीक है, किसने खोज किया भाई, इसका नाम क्या था, कौन था भाई वो, जनरली कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक, ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ही ब्लड ग्रुप की खोज की थी। क्या नाम दिया था इन्होंने ब्लड ग्रुप को, ए बी ओ सिस्टम। पूछ सोच रहेंगे सर आप ए बी ओ सिस्टम के बारे में बता रहे हैं तो ये ए बी कहाँ से आया था। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग देख लें। ठीक, कब इन्होंने इसका डिस्कवर किया था, सन 19th century में। ठीक है, 19 में इसकी डिस्कवर इन्होंने किया था। बाद में जो है एक हमारे यहाँ आए थे स्टेनलेस स्ट्रेसी करके कुछ नाम है उनका, उन्होंने कौन सा खोजा था, ए बी सिस्टम। कब खोजा था, 1934 में, नहीं 1914 में। तो ये चीज़ जनरली नहीं पूछी जाती है, आप लोगों से क्या मतलब होता है कि किसने किसको खोजा था, किस सिस्टम को खोजा था, इन्होंने ए बी ओ सिस्टम को। अगेन जो है कार्ल लैंडस्टीनर को नोबल प्राइज़ कब मिला था, 1913 में इन्हें नोबल प्राइज़ मिला था। ठीक है, नोबल मिला, ठीक है, किसको मिला, लैंडस्टीनर जी को। कितने टाइप्स का, अब दो क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हुआ आपको, ए बी सिस्टम की खोज किसने की थी और ए बी ओ सिस्टम की खोज की। ए बी ओ सिस्टम में क्या क्या भाई, ए ग्रुप, बी ग्रुप और ओ ग्रुप, ठीक, तीनों अलग अलग तीन ग्रुप होते हैं ब्लड्स के। इसकी खोज किसने की है, लैंडस्टीनर जी ने। एक हमारे यहाँ कॉमन आता है भाई ए बी सिस्टम, ब्लड ग्रुप्स मोस्टली देखा जाए तो 4 टाइप्स के होते हैं, ए बी ओ और ए बी, यही जनरल 4 ब्लड ग्रुप्स होते हैं। बेसिक में अगर आपको जानना चाहिए तो ये 4 ही होते हैं, इसके बाद अगेन इसमें क्या हो जाता है, प्लस माइनस करके सब अलग अलग हो जाते हैं, जैसे ए प्लस होगा, ए माइनस भी होगा, बी प्लस होगा, बी माइनस भी होगा, ओ प्लस होगा, ओ माइनस भी होगा। सर इधर जा रहा है, देखिए ए बी प्लस होगा, ए बी माइनस भी होगा। ठीक, तो काउंट कर लें हम लोग कितने हो रहे हैं भाई, देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है कितने टाइप्स की होती है भाई, कितने होते हैं टोटल, कितने होते हैं, 8 ग्रुप। ठीक, अभी तक हम जनरली आपको क्या क्या बता चुके हैं, ब्लड ग्रुप्स की खोज किसने की थी और ब्लड ग्रुप्स कितने प्रकार का होता है। पहला क्वेश्चन का आंसर है कार्ल लैंडस्टीनर ने सन 1900 में। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है आपके ब्लड ग्रुप आठ टाइप्स के होते हैं, मतलब टोटल 8 ग्रुप होते हैं। ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, स्टेनले स्ट्रेसी ने। क्लियर, मुझे लगता है यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने टॉपिक्स पे। दो क्वेश्चन का आपके आंसर मिल गया, ठीक, दो क्या तीन क्वेश्चन के आंसर आपके क्लियर हो गए। अब पूछेंगे सर ये ए बी ग्रुप और बी ग्रुप ओ ग्रुप ये होता क्या,
जनरली क्या होती है हमारी ब्लड ग्रुप में क्या होते हैं भाई, आरबीसी क्या होती है, आरबीसी, आरबीसी को क्या नाम दिया जाता है भाई, कमेंट करके बताएंगे जो लोग जान रहे हैं फटाफट। क्या कहते हैं उसको, एर्थ्रोसाइट्स, ये होती है आरबीसी की सेल। ए आरबीसी हो गया भाई, ये आरबीसी की सेल बन गई। इस पे जो है ये ब्लैक ब्लैक स्पॉट होते हैं, ये रहा ए ए ए तो हमने क्या बताया भाई, ये आरबीसी है हमारा, क्या लिख दें हम इसको, आरबीसी, ठीक है, एक ब्लड सेल्स है। ये ब्लड जो स्पॉट होते हैं ब्लैक ब्लैक, यही क्या होते हैं, एंटीजन, एंटीजन, ठीक, यही एंटीजन होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये होता है, अगर हमारा कोई ब्लड है उसमें जिस टाइप्स का एंटीजन मिलेगा वह उसी ग्रुप को बनाएगा, उसी ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा, लाइक लाइक एच, ठीक है, लाइक एच या अजम सैद, मान लो इमेजिन कर लो अगर यहाँ पर कौन सा एंटीजन मिल गया हमको, ए ए एंटीजन, तो यहाँ कौन सा ग्रुप बनेगा, कौन सा बन जाएगा भाई, ए वाला। सर पानी होगा थोड़ा, पानी, ठीक। तो ये आरबीसी होती है, इसमें एंटीजन्स लगे हुए होते हैं। हमने क्या बताया, एंटीजन किससे बने होते हैं, जरा ये चीज़ हम जान लें। एंटीजन जनरली क्या होता है, यह है ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बना होता है, क्लियर। बस एंटीजन के लिए आप लोग क्या लिखेंगे भाई, कि यह किससे बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन से, ठीक है, चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक, किससे बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन से, एंटीजन, ठीक है। अब एंटीबॉडीज भी आती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स का मतलब, ग्लाइकोप्रोटीन्स में क्या होता है, कार्ब प्लस प्रोटीन, प्रोटीन, दो चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं, तब जाके ग्लाइकोप्रोटीन बनता है। आप लोग इसको नोट कर लेंगे, कार्ब प्लस प्रोटीन मिलकर क्या बनाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन्स। आगे हम देखते हैं, आगे चीज़ों को देख लेते हैं और क्लियर होती हो जाएगी। एंटीजन के बारे में आप लोगों ने लिखा, क्या लिखेंगे आप लोग एंटीजन के बारे में, यह ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक। क्या मैंने बताया, क्या बोला मेरे, सुनिएगा आप ध्यान से, यह ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है एंटीजन। आगे देखते हैं हम लोग एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी भाई, एंटीबॉडी क्या होती है, सेम चीज़ वही, इसमें भी क्या होती है, ग्लाइकोप्रोटीन प्लस ग्लाइकोप्रोटीन से, यह भी किससे बना होता है, ग्लाइको प्रोटीन से बना होता है, क्या, एंटीजन। चीज़ें स्पष्ट हुई, किससे बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन से। थोड़ी सी और हम क्लियरिटी बनाएंगे, मान लो ये WBC है, कोई WBC की सेल है, WBC की सेल है, इसमें एंटीजन और एंटीबॉडीज, ये हमारा ग्लाइकोप्रोटीन रहेगा, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक, समझ में आया, ग्लाइकोप्रोटीन, कार प्लस, और इसके बाद इसमें क्या बननी रहेगी हमारा, इससे क्या बनता है, एंटीजन और एंटीबॉडीज, ठीक। इस तरह से कुछ डायग्राम बना लीजिएगा, क्या होता भाई, ये ग्लाइकोप्रोटीन होती है, क्या होती है, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक, और उसमें एंटीबॉडीज ए और बी, ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया कैसे बनते हैं, ठीक है। अब टोटल ब्लड ग्रुप्स हमने क्या बताया भाई, 4 टाइप्स के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं आगे हम देख लेते हैं, इसको किस तरह से डिवाइड किया गया, कौन किसको देगा, कौन किसको नहीं देगा, थोड़ी सी हम और आगे डिस्कस कर लें। पहला
आप लिखेंगे, एक चार्ट बनाएंगे हम, ठीक। यहाँ तक मुझे लगता दिख रहा होगा सबको। पहला आप लोग लिखेंगे ब्लड ग्रुप, ठीक। ब्लड ग्रुप, दूसरा आप लिखेंगे क्या, एंटीजन, ठीक, एंटीजन। थर्ड लिखेंगे एंटीबॉडी, फोर्थ लिखेंगे आप लोग डोनर, डोनर, और लास्ट वाला हमारा रह गया रिसीवर, रिसीवर। देखिए सर, यहाँ तक चलेगा हमारा, हाँ ठीक। तो आप लोग इस चार्ट को बना लेंगे, फिर जैसे जैसे मैं लिखूँगा उसी तरह आप फॉलो करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। क्या क्या मैंने लिखा भाई देख लीजिए सब लोग, ब्लड ग्रुप लिखा है, इसके बाद क्या लिखा मैंने, एंटीजन, एंटीबॉडी, डोनर, डोनेट करने वाला, या फिर रिसीवर, ठीक। तो अगर मान लीजिए ब्लड ग्रुप कौन सा हमारा है, ए, कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए, तो बताएंगे आप लोग एंटीजन क्या रहेगा हमारा, एंटीजन भी हमारा ए ही रहेगा। एंटीबॉडी क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। एंटीबॉडी हमेशा क्या आती है, विपरीत होती है एंटीजन का। डोनर किसको किसको दे सकता भाई है, किसको किसको दे सकता है, किसको किसको दे सकता है भाई, जिसका एंटीजन रहेगा उसी को दे सकता है, तो जनरली है। किसको किसको दे सकता है, एक और ए बी को, ठीक। किसको किसको दे सकता है, एक और ए बी को, और रिसीव किससे किससे कर सकता है, रिसीव करेगा ए से और ओ से, ठीक है। आगे फिर हम देखते हैं, अगर मान लो हमारा ब्लड ग्रुप बी हो गया तो एंटीबॉडीज़ क्या हो जाएगी, एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए, किसको किसको ये देगा, किसको देगा भाई, बी को देगा और ए बी को देगा, लेगा किस किससे किससे, रिसीव करेगा बी से लेगा और ओ से ले लेगा, ठीक है। अगला हमारा आता है ब्लड ग्रुप, अगर मान लीजिए हमारा ए बी हो गया, तब इसमें क्या होती है भाई, एंटीजन्स, यानी ए बी ब्लड ग्रुप एंटीजन्स क्या होते हैं, एंटीजन क्या रहेंगे इसमें, ए और बी, ए एंड बी, एंटीबॉडी एब्सेंट रहते हैं, ठीक। अब ये डोनर वाली बात आती है, डोनर किसको किसको दे सकता है भाई, डोनर किसे 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 कर सकता है, ओनली ए बी को, ठीक है। और रिसीव किसे कर सकता है, आल, ठीक। समझ में आएगा यहाँ तक, आगे देखते हैं। अगला ब्लड ग्रुप ओ रहेगा, ओ में कोई एंटीजन नहीं होता, एब्सेंट होता है। एंटीबॉडीज कौन 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 से होते हैं भाई, ए बी, इसीलिए डोनर डोनर क्या होता है, आल, और रिसीवर एब्सेंट, मतलब रिसीव किसी से नहीं कर सकता। चीज़ें क्लियर हुई यहाँ तक, मैंने क्या बताया, अगर एंटीजन ए है तो किससे लेगा, ए और ओ से लेगा, किसको किसको दे सकता है, ए को देगा, ए बी को देगा। अगर एंटीजन बी है तो किससे किससे लेगा भाई, बी से लेगा, ओ से लेगा, देगा किसको किसको, बी को देगा, ए बी को देगा। अगर ए बी होता है तो ए बी में एंटीजन ए बी होती है, जो एंटीजन होता है वही उसको अपने जिस टाइप का एंटीजन होता है उसी टाइप के ब्लड ग्रुप को डोनेट करता है, यानी एंटीजन ए बी है तो ए बी वालों को ही देगा, ठीक है। रिसीव किससे कर सकता, आल, मतलब सभी से रिसीव करेगा। ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है, इसीलिए यह जो है एंटीबॉडीज इसमें ए बी होती है, इसलिए ये डोनेट सबको कर सकता है, बट ले किसी से नहीं कर सकता। किससे ले सकता है, आप लोग यहाँ लिख सकते हैं ओनली ओ से, किससे ले सकता है, ओनली ओ से, किससे लेगा भाई, ओनली ओ से, ठीक। चीज़ें क्लियर हुई यहाँ तक, किसी को कोई कन्फ्यूजन, मैंने क्या बताया भाई,
हमने एंटीजन और एंटीबॉडी, ये कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, अगर इसको आप क्लियर कर लेंगे तब आपका स्पष्ट हो जाएगा। ठीक, तो फोर टाइप्स के ब्लड ग्रुप होते हैं। अब आप पूछेंगे कि सर आप एक चीज़ और बता रहे हैं, ए बी और ओ में दो यहाँ आल हो रहा है, वाई क्यों आल हो रहा है भाई? इसके रीजन्स के भी हम बता देते हैं क्यों हम इसको आल कहते हैं। तो क्या होता भाई, ए बी को हम सर्वग्राही कहते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। क्या नाम जाना, इस फ्लो चार्ट को आप लोग बना लेंगे, इस फ्लो चार्ट को आप लोग बना लेंगे। अगला पॉइंट हम जो लिखने जा रहे हैं उसको आप लोग लिखिएगा मेरी तरह साथ, ए बी को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें, इसमें क्या होता भाई, ए और बी एंटीजन होते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा। पॉइंट नंबर सेकंड हम लिखवाने जा रहे हैं, ओ को क्या कहते हैं हम भाई, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, कहते हैं। क्यों कहते हैं, एक चीज आप जान लीजिए क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है, कोई एंटीजन एंटीजन नहीं होता है। मतलब अगर ओ की जब डिस्कवरर हुआ था तो जनरली इसको किस नाम से जाना जाता था, जीरो ग्रुप का। अगर जिसमें एंटीजन नहीं रहता उसका कोई नाम दिया नहीं गया था, और अब जो है इसको ओ ग्रुप बाद में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक, तो मैंने चीज़ों को क्लियर कर दिया, आप लोग इस पॉइंट को लिख सकते हैं, दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षा के हिसाब से दोनों में से एक क्वेश्चन श्योर पूछा जाता है, यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल एक्सेप्टर। कौन होता भाई, ओ होता, ए बी यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता। क्यों होता, कारण भी जान लीजिए, हो सकता है क्वेश्चन में किन रीजंस पूछ ले सकता है, तो लिख लें आप इस चीज़ को कि क्यों कहते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ तक जो चीज़ें हमने अब तक पढ़ाया आपको, परीक्षक के हिसाब से जो भी चीज़ें थी सारी चीज़ों को मैं स्पष्ट कर चुका हूँ। बाकी अगर इसमें से कुछ और चीज़ें होती हैं, जैसे कि पूछ लिया जाता है कभी कभी इस टाइप्स के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, कि अगर पूछा जाएगा भाई आपसे क्वेश्चन कई टाइप्स के आ सकते हैं, शादी विवाह वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, एग्जामिनर फंसाने के लिए कई टाइप्स के क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, एक्सीडेंटल केस का क्वेश्चन दे सकता है, तो जनरली हम देख लेते हैं। तो अब जैसे अगर हमने बताया क्या भाई, यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर का मतलब क्या होता भाई, हमने किसको बताया यूनिवर्सल डोनर, ओ को, ओ को बताया, ओ ब्लड ग्रुप अगर जिसके अंदर है, यानी वो इंसान क्या है, इंजर्डर है, इंडेंजर्ड है। इंडेंजर्ड का मतलब क्या होता भाई, रेयर स्पीसीज में पाया जाने वाला आदमी। अगर ओ ग्रुप किसी में है तो वो समझ लीजिए उसका मालिक भगवान ही है। फिर अगर उसको चोट लग गई तो फिर उसका मालिक कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ओ ग्रुप मिलता नहीं है जनरली। ये बात मैं फैक्चुअल बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। ओ ग्रुप ऐसा ब्लड ग्रुप है जो कहीं नहीं मिलता किसी भी पर्सन को, अगर ओ, और खासकर क्या होता, ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव। ठीक है, ओ निगेटिव का ब्लड ग्रुप जो है मोस्टली अगर देखा जाए, अगर हमारे यूपी की बात कर लिया जाए, तो यूपी में हमारी इस समय पॉपुलेशन क्या है, 121 तो तब थी जब 2011 था, मुझे लगता है 125 करोड़ हो चुकी होगी अब करोड़। ठीक है, तो इस समय है, अगर इसमें सर्च किया जाए 125 करोड़ में यानी विलियंस में, तो मुझे लगता है मोस्टली केवल कितने परसेंट मिलेंगे, 4% ही पर्सन ऐसे मिलेंगे जिनमें ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप होगा। 125 का 4% कितना होगा, आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट करके, क्योंकि मुझे मैथ्स नहीं आती और मैथ मेरा वीक है, और ये चीज़ आप राजकुमार सर से पूछिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया जा रहा है कि सर 125 करोड़ का 4% कितना होता है, राजकुमार सर आपको सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक, तो हमने क्या बताया भाई कि कितने परसेंट होते हैं, मल्ली 4% होते हैं। ठीक है, तो उससे हम आपको बता देंगे कि कितने लोगों के पास ओ निगेटिव है। जैसे कि मान लो, ठीक है, एक्सीडेंटल केस हो जाता है ना,
रास्ते में किसी को चोट हो जाती है, डॉक्टर अगर उसको लोग हॉस्पिटल ले जाते हैं, कुछ अच्छे लोग होंगे तो अगर देखिए अभी सर बैठे बैठे ही सॉल्व कर दिया, उन्होंने बताया 5 लाख होगा, आई थिंक समथिंग 5 लाख, तो 1% लोग होंगे, 5 लाख लोग बता रहे हैं, यानी कि मतलब 125 करोड़ में कितने 5 लाख लोग ऐसे ही हैं जिनके पास वो नेगेटिव है। फिर भी जब कभी भी अनाउंसमेंट्स होता है वो नेगेटिव के लिए, लेकिन कोई नहीं पहुँचता है और आदमी डेड हो जाता है। हम क्या बता रहे थे, हमारा टॉपिक क्या था कि अगर एक्सीडेंटल केस, इन द एक्सीडेंटल केस में किसी को चोट लग जाती है और इमरजेंसी में लोग उसको हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, डॉक्टर ने उसे क्या सुझाव दिया कि उसको ब्लड की ज़रूरत है, बट अब डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो उसका ब्लड ग्रुप चेक करे, अगर इतना टाइम देगा तो आदमी बचना मुश्किल हो जाएगा। तो डॉक्टर क्या करते हैं भाई, जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, ओ निगेटिव ही उसको क्या कर देते हैं भाई, प्रोवाइड कर देते हैं, दे देते हैं। क्यों देते हैं, ओ निगेटिव एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो किसी को भी चढ़ा दो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। ओ निगेटिव एक ऐसा ब्लड ग्रुप है किसी को भी दे दो लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन अगर ओ निगेटिव वाला अगर कहीं चोटिल हुआ तो उसको ओ निगेटिव वाला खोज के लाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि वो पॉजिटिव चढ़ा दोगे, अगर वो पॉजिटिव आपने चढ़ाया तो फिर वहीं आदमी का खेल ख़त्म। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है कि अगर हम अदर ब्लड ग्रुप्स को किसी आदमी में प्रोवाइड कर देते हैं तो आदमी नहीं बचता, क्यों होता है, क्योंकि जो एंटीजन और एंटीबॉडी है उनका जो हो क्या हमेशा चाहिए इन्वर्स होना चाहिए, मतलब एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए, अगर एंटीजन है तो एंटीबॉडी ये होता है। बट अगर इस तरह का रेयर केस आ गया, मान लो अगर हम ए वाले को बी वाला चढ़ा दिया, तो एंटीजन क्या है इसमें बी होता है, ठीक, अगर बी वाले को ए चढ़ा दिए और एंटीबॉडी ए है तो ये जो है इससे रिएक्ट कर जाएगा और आदमी की जो है डेथ हो जाएगी। मतलब क्या होता है, एंटीबॉडी और एंटीजन हमेशा इक्वल नहीं होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए, दोनों जो है डिफरेंस होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, इसीलिए ब्लड ग्रुप को पहले जांचा जाता है कौन सा ब्लड ग्रुप हुआ। अब आपको चीज़ें क्लियर हुई, ब्लड ग्रुप क्यों जांचते हैं भाई, क्योंकि हमारा एंटीजन और एंटीबॉडी जो है मैच नहीं होना चाहिए, एंटीजन अगर ए है तो एंटीबॉडी बी निकलना चाहिए, अगर एंटीबॉडीज बी है, एंटीजन बी है तो एंटीजन ए होना चाहिए। सेम सिचुएशन ए बी ब्लड ग्रुप में होती है, ए बी ब्लड ग्रुप में हमने आपको बताया कि इसमें क्या होता है भाई, ए बी एंटीजेंट होता है, तो इसीलिए ए बी एंटीजेंट के नाते क्या होता है इसमें कि ए बी चढ़ सकता है, बी भी चढ़ सकता है और ए बी भी चढ़ सकता है, तीनों आ सकता है, ठीक। कौन कौन से आ सकते हैं, तीनों आ सकते हैं, वाई क्योंकि इसमें तीनों ब्लड ग्रुप्स हो सकते हैं। ऐसे ही कंडीशन ओ वाले के साथ होती है, ओ वाले में कोई एंटीजन नहीं होता है, इसीलिए उसको जो है यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, ठीक है। यानी क्या हुआ, देखो अभी हमने क्या बताया भाई, एक ए बी समूह वाला आदमी है, मान लो आप में से किसी का कितना ब्लड ग्रुप है ए बी है और उसको चोट लग गई है और डॉक्टर ने उसे क्या कहा कि भाई आपको ब्लड की ज़रूरत है, तो उसको कौन कौन दे सकता है भाई, ए बी दे सकता है, बी भी दे सकता है और ए बी भी दे सकता है, यानी तीनों लोग दे सकते हैं। और ये कोई पर्सन है जिसको क्या है ओ समूह वाला है और ये भी इंजर्ड हो जाता है, तो इसको कौन से लोग दे सकते हैं, पहली बात तो डॉक्टर इसमें कंफर्म करेंगे कि माइनस है कि पॉजिटिव है, अगर निगेटिव निकल गया तब तो खेल बहुत ही कठिन हो जाएगा, अगर पॉजिटिव निकल गया तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। पॉजिटिव में क्या हो सकता है भाई, अगर ओ पॉजिटिव वाला है तो ओ पॉजिटिव भी दे सकता है इसको, ओ निगेटिव भी दे सकता है। चीज़ें क्लियर हो रही है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे, अगर कोई ओ पॉजिटिव का क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि अगर कोई ओ पॉजिटिव का आदमी है उसको ए निगेटिव ब्लड चढ़ा दिया जाता है तो क्या वह आदमी जिंदा रहेगा या इट्सेट्रा पूछ लिया जाएगा, उसकी संतान किस ग्रुप की होगी, कई चीज़ें पूछा जा सकता। थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव अगर इन दोनों की शादी करा दी जाती है तो ठीक है, जो बच्चे पैदा होंगे वो किस ग्रुप के होंगे इसको आप लोग देख लीजिएगा, 50-50% हो सकता है इसमें, यानी 50% ओ प्लस हो सकते हैं और 50% ओ निगेटिव हो सकते हैं। अगर 4 बच्चे हो रहे हैं तो 2 पॉजिटिव हो जाएंगे और 2 निगेटिव हो जाते हैं, 3 हो जाएंगे तो इसमें मैं नहीं क्लियर कर पाऊँगा आप लोग, सॉरी 3 में 2 हो सकते हैं पॉजिटिव और या 2 निगेटिव या फिर 1 पॉजिटिव या फिर 1 निगेटिव, ठीक, ये कंडीशन बनती है, ठीक है। तो चीज़ें मुझे लगता है सब क्लियर हुई होंगी और कोई ऐसा चीज़ नहीं है पॉइंट ऑफ एग्जाम से कि जो आपका मिसिंग हुआ होगा, ठीक। ब्लड ग्रुप से रिलेटेड इतने ही क्वेश्चन आएंगे, जनरली आपसे क्या पूछा जाएगा, ब्लड ग्रुप का डिस्कवर जिसके बारे में मैंने चर्चा कर ली है, ब्लड ग्रुप कितने टाइप्स के होते हैं इसके बारे में भी मैंने चर्चा कर ली है, और पूछा जाएगा कि ब्लड ग्रुप में कौन किस ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन होता है, बहुत ही सिंपल केस होता है, जिसका जो ब्लड ग्रुप होता है वही एंटीजन होता है, उसकी रिवर्स क्या होता है एंटीबॉडीज होता है। इस चार्ट को आप डेफिनेटली बनाए होंगे, इससे आपको क्लियर होगा कि डोनर कौन होता है रिसीवर कौन होता है, ठीक है। वाई इज द कॉल्ड ए बी इज द यूनिवर्सल रिसीवर, हमने कॉर्न लिखाया है बकायदे, उसके बारे में भी बताया।
वाई ओ इज द कॉल द यूनिवर्सल डोनर, उसके बारे में भी हमने अच्छी तरह आपको बताया है। और फिर यहाँ पर थोड़ा सा मैंने और भी बताया मैजिक की, ओ निगेटिव ओ पॉजिटिव की वाली भी, तो जो भी चीज़ें थी सारी चीज़ों को मैंने क्लियर कर दिया। तो आज ही आपका ये ब्लड ग्रुप वाला जो ब्लड का टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम का, यहीं पर होता है फिनिश एंड अप। लेकिन आगे जो है आपका अगला पॉइंट, अगला जो टॉपिक रहेगा वो हार्ट रहेगा। हार्ट अभी जो है इसका ये पार्ट नंबर 6 है आपका, ठीक है। तो अभी यहाँ तक कंप्लीट हुआ। और सर्कुलेटरी सिस्टम में अभी हमारे पास क्या क्या भाई बची हैं, अभी हमारा टॉपिक है हार्ट, हार्ट है, इसके बाद हमारे ब्लड वेसल्स है, तब ये हमारा कंप्लीट होगा क्या सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड वेसल्स, ठीक। छोटे छोटे टॉपिक हैं, इसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं तक फिनिश होता है, ठीक है। मिलेंगे हम आपसे वीडियो में, तब तक आप राजकुमार सर की जो है मैथ्स वाली क्लास जरूर देखेगा, जीरो लेवल वाली विशेषकर, ठीक है। सर की जो आप लोगों ने रिक्वायरमेंट की थी कि सर अपना स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे, तो सर उस पर बिल्कुल लगे हुए हैं और बहुत ही जल्द आपके सामने कुछ नया लाने वाले हैं। और एक चीज़ और मैं, कि जो लोग इन्वायरमेंट पढ़ना चाहते हैं, जो इन्वायरमेंट की इच्छुक हों, बहुत ही छोटी सी फीस में और इन्वायरमेंट को आपको पूरा नोट्स और क्लास भी दिया जाएगा, राज सर से आप जरूर बताइएगा, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक।